मनीष माहेश्वरी को यह नोटिस दिया गया है। दरअसल बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा गया है। हफ्ते भर के भीतर उपस्थित होने का यह नोटिस थमाया गया है। लोनी बॉर्डर थाने पर उन्हें उपस्थित होना होगा। SHO लोनी बॉर्डर ने यह नोटिस भेजा है। वीडियो वायरल होने के बाद जिस तरह से बवाल मचा था उसमें ट्विटर पर, वीडियो वायरल होने के बाद ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसे वीडियो को प्रसारित होने से रोक नहीं लगाई, जिसके बाद अब ट्विटर पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। नोटिस भेजा गया है MD को, ट्विटर इंडिया के MD को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा गया है। एक हफ्ते के भीतर उन्हें थाने पर आकर अपना बयान दर्ज कराना होगा। तो गाजियाबाद से हम आपको खबर बता रहे हैं, जिस तरह से गाजियाबाद कांड सामने आया था उसमें अब ट्विटर पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। गाजियाबाद कांड में ट्विटर को नोटिस भेजने के मामले में SP देहात ने कहा कि फेसबुक भी जांच के दायरे में है, साथ ही मुख्य आरोपी प्रवेश की जल्द रिमांड ली जाएगी। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को नोटिस सर्व किया है। हमारे साथ इरज राजा मौजूद हैं, गाजियाबाद के SPRA। सर, किस तरीके से आप लोग इस इन्वेस्टिगेशन को अब आगे ले जाएंगे, क्योंकि FIR जो दर्ज की गई उसमें पहला नोटिस जो है वो ट्विटर इंडिया के हेड को आप लोगों की तरफ से भेजा जा चुका है? जी, जैसा कि ये मामला हुआ था उसमें ट्विटर के माध्यम से काफ़ी जो वीडियो था, वायरल वीडियो, उसको शेयर किया गया था। तो उसमें कुछ ट्विटर हैंडल्स पर, 60 ट्विटर हैंडल्स, उसके अलावा ट्विटर इंक और ट्विटर इंडिया पर एक FIR पंजीकृत हुई थी लोनी बॉर्डर थाने में। तो उसी के संदर्भ में कल शाम को एक नोटिस भेजा गया है IO की तरफ से। वो नोटिस जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तरफ से, 160 CRPC का वो नोटिस होता है, जिसमें कि कंसर्न जो भी पर्सन अथॉरिटी होती है उसको ये पूछा जाता है कि आप फैक्ट्स के साथ और जो भी आपसे डिटेल्स मांगी गई उनके साथ आप हमको इन्वेस्टिगेशन में विद इन 1 वीक ज्वाइन करिए, अन्यथा उसमें फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन सतीन के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। इधर गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में DPCM के शमौर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने। उत्तर प्रदेश सरकार पहली सरकार रही जिसने कड़ी कार्रवाई ट्विटर जैसी संस्था पे की है। आपको क्या लगता है कि ऐसी सोशल मीडिया पे जो घटनाएं, जो फेक न्यूज आ रही है, इस पे रेगुलेशन और स्वतंत्रता कितनी जरूरी है, दोनों चीजों में बैलेंस? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर अगर कोई भी प्लेटफार्म है, चाहे वो ट्विटर का प्लेटफार्म है, चाहे वह फेसबुक का है, चाहे और भी कई प्लेटफार्म है, कोई भी चीज दिखाने का किसी को कोई पोस्ट करने से रोक नहीं सकता है, लेकिन अगर गलती ध्यान में आए तो तत्काल उसको सुधार करना चाहिए। तो सुधार करने की जगह उसे निरंतर बनाए रखना, जिससे सामाजिक एक सौहार्द है उस पर प्रभाव पड़ता है, तो उस पर पुलिस ने मुकदमा लिखा है, कार्रवाई कर रही है और उसकी जाँच के आधार पर जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई है। विशेष तौर से उन लोगों को भी बचना चाहिए जो इस प्रकार के प्लेटफार्म का गलत उपयोग करते हैं, और उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए जो इस प्रकार के प्लेटफार्म को संचालित करते हैं, और समाज में हम एक अच्छा संदेश दे सकें, समाज में समरसता रह सके, समाज में सांप्रदायिक सद्भाव रह सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव आएंगे, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे अन्य विरोधी दल हो, वह सबके सब इस प्रकार के दुष्प्रचार का सहारा लेंगे, क्योंकि उनके पास मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन हमारे विरोधी राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो हैं, तो इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो ऐसे प्रचार करें, लोकतंत्र है, किसी को मना नहीं है, लेकिन अगर दुरुपयोग करेंगे, फर्जी कोई खबर चलाने का काम करेंगे तो उस पर तो कार्रवाई। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। बढ़ते आगे अगली खबर लखीमपुर से है, जहां पर बारिश में